The question is, we have to integrate the function which is cos of 2x divided by cos of x plus sin x raised to the power 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ. जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ दैट इज cos of 2x, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है cos of x plus साइन ऑफ एक्स टोटल रेस टू दी पावर 2. अब देखिए, इन केस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसमें जो बेस्ट लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो कॉस 2x है ना, आप इसको इसकी आइडेंटिटी से ब्रेक कर दीजिए. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस 2x हमारे पास होता है दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है. और इसके बाद आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मुले को भी अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और अगला पार्ट हमें मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है. अब इनकेस अगर ये चेंजेस अगर मैं न्यूमरेटर में यूज कर लूं तो मेरे पास अब क्वेश्चन रह जाता है कॉस एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. उसके बाद अगला टर्म मेरे पास है दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका सेकेंड टर्म है. इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिवाइडेड बाई दैट इज डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर 2. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का टर्म है, इससे एक पावर को कम से कम आप कैंसिल कर सकते हैं. और आफ्टर कैंसिलेशन जो टर्म आपको नजर आएगा वो टर्म है विच इज योर कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये आपका न्यूमरेटर है. डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, जिसपे अभी आपको काम करना बाकी है. और इसके बाद जो क्वेश्चन लेफ्ट आउट है दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स के, ठीक है. अब अगर इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि इसके न्यूमरेटर में जो फंक्शन पड़ा हुआ है ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है. मींस इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करें कि ये जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, मैं इसको एक नए वेरिएबल लेट टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. इनकेस अगर मैं इसे नए वेरिएबल से रिप्लेस करूंगा तो फिर मुझे डी एक्स को भी डी टी में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हम लोग फंक्शन को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो सबसे पहले साइन एक्स का डायरेटिव जो कि कॉस एक्स होता है, फिर कॉस एक्स का डायरेटिव ये माइनस साइन एक्स होता है, और इन टू डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी टी. फाइनली आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप बचेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया है डायरेक्टली डी टी से. तो न्यूमरेटर में मेरे पास डी टी है, डिनोमिनेटर में मेरे पास टी है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका इंटीग्रल होता है एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी के, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी. और t की वैल्यू इन केस अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो माय आंसर इज ln mod of cos x plus sin of x plus c. दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.